आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो डीफाई इकोसिस्टम को बनाते हैं। डीफाई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और जैसे जैसे डीफाई स्पेस बढ़ता जा रहा है उसकी एप्लीकेशंस को समझना और जरूरी होता जा रहा है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हमारे करेंट फाइनेंस मॉडल से बहुत ज्यादा सिमिलर है, कुछ कॉम्पोनेंट्स दोनों में कॉमन है। हमें किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए सबसे पहले अपने पैसों को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस में ये काम बैंक्स का होता है, डीफाई में ये काम वॉलेट्स करते हैं, जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनोमी, ऐसे बहुत से वॉलेट्स अवेलेबल हैं जो आपकी क्रिप्टो स्टोर करते हैं। अब मेरे पास पैसे हैं तो कहीं ना कहीं मैं उन पैसों को खर्च भी जरूर करूंगा, मतलब मुझे मार्केट प्लेसेस की भी जरूरत है जहां से मैं शॉपिंग कर सकूं। डीफाई में ओपन बाजार, रेयर बिट्स, ओरिजिन्स, ऐसे काफी मार्केट प्लेसेस भी अवेलेबल हैं जहां मैं अपने क्रिप्टोस का यूज करके सामान ऑर्डर कर सकता हूँ। हम अपने पैसे फ्यूचर के लिए सेव जरूर करते हैं, ऑफ कोर्स। फिर मैं ऐसी जगह चाहूंगा जहां मुझे अपने पैसे डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट मिलता रहे और अगर मुझे कभी लोन की जरूरत हो तो वो भी मैं ले सकूं। ये पॉसिबल करने के लिए हमें लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। डीफाई में आवी, कंपाउंड, मार्कडाउ, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें मैं अपने पैसे डिपॉजिट करके इंटरेस्ट ले सकता हूँ या फिर लोन भी ले सकता हूँ। अगर मेरे पास एक्सेस में पैसा है तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें इन्वेस्ट भी जरूर करूंगा। इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक्सचेंजेस की जरूरत पड़ जाती है। यूनी स्वॉप, पैनकेक स्वॉप, सुशी स्वॉप जैसे एक्सचेंजेस काफी यूज में आते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स मुझे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर भी सकूं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन कैश भी कर सकूं। हमारे पास एक्सचेंजेस हैं तो डेरिवेटिव्स भी यूज में आएंगे। डीएसएफ प्रोटोकॉल, डैक्सिया जैसे कई प्रोजेक्ट्स डीफाई में डेरिवेटिव्स पॉसिबल करते हैं। मुझे इंश्योरेंस लेना तो वो भी मैं डीफाई में ले सकता हूँ। नेक्सस म्यूचुअल, एथेरिक जैसे प्लेटफॉर्म्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। मुझे अगर मार्केट में गैम्बलिंग करनी है तो मैं प्रेडिक्शन मार्केट्स का यूज कर सकता हूँ। वेल, ऑगर जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं मार्केट के प्राइस पर, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उस पर बेटिंग कर सकता हूँ। सिर्फ मार्केट्स में ही नहीं, हम डीफाई में कैसीनोज में भी गैम्बलिंग कर सकते हैं। पायरेट डाइस, फार्म हीरो जैसे प्लेटफॉर्म्स में मैं इजीली बेटिंग कर सकता हूँ। चाहे मैं कोई भी ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो मुझे अपनी आइडेंटिटी डिजिटली वेरीफाई करनी पड़ती है। यूजुअली ये काम ईमेल्स या फोन नंबर के थ्रू होता है। डीफाई का मेन पर्पस ही यही है कि हमारी आइडेंटिटीज एनोनिमस रहे, तो ये काम सेल्फ की, सिविक, हाइड्रो जैसे प्रोजेक्ट्स है जो हमारी आइडेंटिटी डिजिटली वेरीफाई करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड रहती है। मतलब मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई भी होगी लेकिन कोई और यूजर मेरी आइडेंटिटी नहीं देख सकता। यहां तक तो हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस और डीफाई के बेसिक कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। मेन डिफरेंस ये आता है कि हमें डीफाई में स्टेबल कॉइन्स की जरूरत पड़ती है। हमारे क्रिप्टोस काफी वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। हो सकता है आज ईथर की वैल्यू 1 लाख है, कल को 50,000 हो सकता है, एंड परसों हो सकता है 2 लाख पर भी पहुंच जाए। स्टेबल कॉइन्स ये वॉलेटिलिटी को खत्म कर देते हैं। स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू जनरली किसी के साथ पेग्ड रहती है, जनरली एक डॉलर के साथ। एथर, डाई, यूएसडीसी ऐसे कई स्टेबल कॉइन्स हैं जो डीफाई में हम वॉलेटिलिटी से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस यहाँ आता है कि हम अपने रियल वर्ल्ड एसेट्स को हम डीफाई में टोकनाइज कर सकते हैं, चाहे वो एसेट्स टैंजिबल हो या इनटैंजिबल। हम उन्हें टोकनाइज करके ब्लॉकचेन पर स्टोर कर सकते हैं। पॉलीमैथ, हार्बर, रारेबल ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हमारे रियल लाइफ एसेट्स को टोकनाइज करते हैं और इन सबको डेवलप करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जैप, ओएक्स, सेटल ऐसे कई प्रोजेक्ट्स डीफाई एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब हमें पता लग चुका है कि डीफाई के कॉम्पोनेंट्स क्या है। इनमें से मेजर कॉम्पोनेंट्स को हम और डिटेल में भी समझेंगे। आपको डीफाई इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।